ये समझ नहीं आ रहा कि प्रदर्शन किस बात को लेकर चल रहा है। प्रदर्शन का कोई कारण होना चाहिए। जिस दिन हत्या हुई है उसके अगले 24 घंटे के भीतर जो हत्या करने वाले हत्यारे थे उनको और उनके परिवार के सभी सदस्यों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया और पांच दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जाकर वहां आगजनी की घटनाएं करते हैं, उनके घरों को जला देते हैं। फिर भी ये समझ नहीं आया कि ये प्रदर्शन किस चीज के लिए है। जयराम ठाकुर जी ने कहा कि हम NIA की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, हमने कहा हम उसका भी स्वागत करते हैं। जब जो अपराधी वो जेल की सलाखों के बीच में है तो ये किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे बड़े पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिंदल जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप देख रहे हैं कि कल पुलिस के अधिकारी बोल रहे हैं आप जाओ, आप 144 लगी है, आप जानते हैं कि उसमें 5-5, 10-10 आदमी करके जा सकते हैं, तो आप जाइए, रोका किसी ने नहीं है। अब धारा 144 में 200-250 का मोब नहीं जा सकते, इकट्ठे चले जाइए, कहा फिर भी वो नहीं गए। आज इस मुद्दे को जिसमें अपराधी जेलों की सलाखों के पीछे, ये पहला आंदोलन मैंने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देखा जिसमें अपराधी सलाखों के पीछे और भारतीय जनता पार्टी तब आंदोलन कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी ही हैं और अपनी राजनीति को करना ही है तो आप किसी और मुद्दे पर आंदोलन कीजिए। अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाता तो भी भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन हम मान लेते सही है। उनके तो परिवार की बेटियों को भी हमने अरेस्ट करके रखा है, सारा परिवार छोटा वो सबको हमने अरेस्ट करके रखा है, क्योंकि जो भी इस अपराध में सम्मिलित है वो चाहे कोई भी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये आंदोलन अपराधी जेल की सलाखों के बीच और भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर किसके लिए है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा आप सब्र रखिए। आप लोग अभी ठीक है, 24 का इलेक्शन आपने लड़ना है और जीतना, हम चाहते हैं कि सब शांति से ये सब बातें हो जाए और जो विपक्षी दल है उसको भी अगर कोई बात कहनी है तो सचिवालय में हमारा दरवाजा खुला है, आप आकर बात कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम केंद्र में उनकी सरकार है, जयराम ठाकुर जी चाहें तो एक फोन से NIA की भी जांच भी करवा सकते हैं, CBI की भी जांच करवा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि उनको राजनीति करनी है। तो अगर राजनीति करनी तो हिमाचल के मुद्दों को लेकर राजनीति होती तो अच्छा होता, बहुत बहुत है या हारना है वो तो हिमाचल की जनता तय करेगी, लेकिन मुद्दा हिमाचल के हित का उठाते तो अच्छी बात होती। सर मामले में कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी तक? सभी लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है जो भी FIR में नाम है। और दूसरी बात मैं एक और भी कहना चाहता हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी को जो हिमाचल के अधिकार है उसके संबंध में मुद्दा उठाना चाहिए, वाटर सेस में हिमाचल का साथ देना चाहिए, जो पावर प्रोजेक्ट्स है उसकी रॉयल्टी के लिए साथ देना चाहिए, उसके लिए आंदोलन करते तो कांग्रेस पार्टी भी उस आंदोलन में उनके साथ सम्मिलित होती, क्योंकि हिमाचल के हित और हिमाचल के अधिकारों को सुरक्षित रखने का कार्य जहाँ सत्ता दल का भी है वहाँ विपक्षी पार्टी का भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।